लखनऊ में घंटाघर पर नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के खिलाफ प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को लखनऊ पुलिस ने नोटिस जारी किया है। सदफ जफर, मुन्नवर राणा की बेटी सुमैया राणा, उस्मा परवीन सहित कई दूसरी महिलाओं को भी नोटिस जारी किया गया है। ये नोटिस धारा 143, 147, 188, 353 IPC में दर्ज मुकदमों के लिए भेजा गया है। पुलिस ने ये नोटिस प्रदर्शन के दौरान FIR किए अभियुक्तों के आरोप पत्र दाखिल करने के बाद भेजे हैं। गौरतलब है कि लखनऊ के घंटाघर पर महीनों तक CA NRC के खिलाफ धरना चला था और महिलाएं धरने पर बैठी थीं। कोरोना वायरस के कारण धरने को स्थगित कर दिया गया था। धरने पर बैठी महिलाओं का कहना था कि एक बार कोरोना का असर खत्म हो जाए फिर हम दोबारा बैठेंगे। इससे पहले 31 जनवरी को घंटाघर से प्रदर्शनकारी महिलाओं को हटाने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने नोटिस जारी किया था। UP पुलिस ने प्रदर्शनकारी महिलाओं के खिलाफ धारा 144 का उल्लंघन, यातायात रोकने और शांति व्यवस्था में खलल डालने का नोटिस जारी किया था। ये नोटिस 50 से 100 महिलाओं को भेजा गया था और उनसे जल्द से जल्द घंटाघर का परिसर खाली करने को कहा गया था। ऐसा ना करने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात कही गई थी। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट, UP तक।